राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं की हो रही दिग्गज बैठक में जहां एक बात को लेकर चर्चा थी कि आखिरकार सचिन पायलट का रुख क्या होगा, क्योंकि तो राजस्थान के रण में एक तरफ सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ अपनी सारी की सारी बातों को साफ कर दिया था कि किस तरह से गहलोत और पार्टी के आला कमान को लेकर के उनके अंदर असंतुष्टि बरकरार है, जिस तरह से पूर्व की सरकारों के किए गए भ्रष्टाचार के काम और साथ ही सचिन पायलट का अपना पार्टी में छोटा होता हुआ कद, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिसको लेकर लगातार यह चर्चा चल रही थी कि सचिन पायलट अशोक गहलोत से बगावत करके कांग्रेस छोड़ करके या तो अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर विरोधी पार्टियों में फिर भाजपा या किसी अन्य पार्टी में शरण लेंगे। फिलहाल राजस्थान के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की दिल्ली में की गई बैठक में इन सब बातों के ठीक विपरीत मामला सामने देखने को मिला। दरअसल सचिन पायलट ने मीडिया से मुखातिब होकर के अपनी सारी की सारी रणनीतियों को मीडिया के सामने रखा और इसके अलावा बताया कि पार्टी के खिलाफ या पार्टी के विरुद्ध जो भी बातें चल रही थी उन सबको फिलहाल स्थगित करके उनका पूरा ध्यान राजस्थान के आगामी चुनाव के ऊपर है। ऐसे तमाम बातों को सचिन पायलट ने आज जनता के सामने और साथ ही मीडिया के सामने रखा। आप खुद सुनिए क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने अपने आगामी चुनाव की रणनीतियों को लेकर के और खास करके उनके और गहलोत के बीच में चल रही बातों को लेकर के। आज आने वाले राजस्थान के विधानसभा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सब लोगों ने, रंधावा जी ने एक मीटिंग कॉल करी थी और सभी राजस्थान के प्रमुख नेताओं को यहां पर आमंत्रित किया गया था। लगभग 4 घंटे हमारी ये चर्चा हुई। आने वाले कुछ महीनों के बाद राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे पिछले 25 सालों में लगातार यहाँ पर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसको खत्म कर पुनः दोबारा सरकार कांग्रेस की कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बड़े खुले दिमाग से किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। और हमें लगता है कि राजस्थान में जो बहुत राजस्थान के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर हमारी सरकार ने भी काम किया है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से उन सब पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को दर पर लेकर जाएंगे। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री, सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी, इस बार पुनः वही होने वाला है। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और उसके पश्चात 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका भी फर्क इस पर पड़ेगा और हम लोग अच्छी संख्या में वहाँ पर लोकसभा चुनाव। मैंने जो इश्यूज उठाए थे पब्लिक में, पेपर लीक के इशू हम लोगों ने उठाए थे, बहुत महत्वपूर्ण है, जो यंग लोगों को प्रभावित करता है। हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको हम कैसे रिफॉर्म करें, उसको कैसे और पुख्ता बनाएं, कैसे पारदर्शी बनाएं और जवाबदेही बनाएं, जो पिछली सरकार के करप्शन के इश्यूज थे उन सब बातों को मैंने कई समय से मैं पब्लिक में रख रहा था और मुझे खुशी है उन सभी बातों को, उन सभी इश्यूज का संज्ञान पूरी तरह AICC ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है और सभी पर कार्रवाई करने के लिए भी आगे की रूपरेखा बनाई है। मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों के इश्यूज, करप्शन के इश्यूज और हमारी जो संस्थाएं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको भी हम कैसे और जवाबदेही और ऐसे लोगों को वहाँ बिठाएं जो एक अच्छे बैकग्राउंड से आएं, ताकि लोगों के मन में, जहन में कॉन्फिडेंस हो नौजवानों में जब वो इंटरव्यू देने जाएं, एग्जाम देने जाएं। इन तमाम इश्यूज पर पार्टी ने संज्ञान लिया है और उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भाई भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि जो करप्शन हुआ है और जो हम पे आरोप लगाते हैं, अपने गिरिबान में झांक कर देखें, भाजपा के कार्यकाल में जो तमाम करप्शन हुए हैं उस पर सरकार गंभीर है और कार्रवाई भी करेगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो जन जन को प्रभावित करता है, इस इशू को कांग्रेस पार्टी इलेक्शन इशू बनाएगी और उसको लेकर आगे जाएगी।
सभी सवालों का जवाब हमारे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी ने दिया है और पिछले 2 दशक से ज़्यादा मुझे जो जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, केंद्र में दी है, राज्य में दी है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, संगठन की जिम्मेदारी दी हो, जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे AICC जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। गहलोत जी का स्वास्थ्य कैसा है? गहलोत जी का स्वास्थ्य कैसा है? जो आपकी नाराजगी बनी हुई है वो खत्म हो चुकी है सर। पकड़ना कोशिश वेणुगोपाल जी सारी बात स्पष्ट रूप से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके।